वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो को सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, वो है IPL वर्सेज ICC T20 वर्ल्ड कप फुल कंपैरिजन अनबायस्ड इन हिंदी। तो आज हम देखने लगे हैं IPL और ICC T20 वर्ल्ड कप, जैसे कि आपको होने लगा है। बिल्कुल, आज हम देखेंगे इनका कंपैरिजन। जितना मुझे आइडिया लगता है IPL आगे होगी, वर्ल्ड कप से भी मुझे आगे लग रही है, क्योंकि बजट के मामले में मैं कहता हूँ नहीं पीछे रह सकती IPL। यार पूरी दुनिया की जो सबसे महंगी लीग है ना, सबसे महंगी सबसे बेस्ट लीग है वो IPL है। तो देखते हैं भाई, वर्ल्ड कप मतलब आगे है ज्यादा उस चीज में, सारी चीजों में, या मतलब IPL आगे है। पहले बहुत ऑसम कंपैरिजन होने लगा है। बिल्कुल, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3-1 एंड स्टार्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इस गेम को 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से खेला जा रहा है। इसे दूसरी तरह से द जेंटलमैन्स गेम भी कहा जाता है। क्रिकेट में T20 क्रिकेट की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, शायद ही किसी क्रिकेट फॉर्मेट की बढ़ी होगी। इंडिया में पिछले 13 सीजन से IPL खेला जा रहा है और हर साल इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। T20 फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप को भी एस्टैब्लिश किया। आज के इस वीडियो में हम IPL और T20 वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे, बेस्ट प्लेयर से लेकर बेस्ट टीम तक, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। T20 क्रिकेट एक शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है, जिसमें हर इनिंग सिर्फ 20 ओवर्स की होती है। प्रोफेशनल लेवल पे इस गेम को इंग्लैंड और वेल्स में 2003 में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इस फॉर्मेट में दोनों टीम वन इनिंग्स 20 ओवर्स का खेलते हैं, और जो ज्यादा रन बनाता है वो जीत जाता है। एक T20 गेम नॉर्मली 3 आवर्स में खत्म हो जाता है। इस पेस्ट गेम को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इंडिया में IPL की शुरुआत BCCI ने 2007 में की थी। इसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जो 8 डिफरेंट इंडियन सिटीज को रिप्रेजेंट करती है। इसे हर साल मोस्टली मार्च और मई के बीच में खेला जाता है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 के साउथ अफ्रीका में हुई थी। अच्छा। और इससे पहली बार इंडिया ने जीता था। हर 2 साल में वर्ल्ड T20 खेला जाता है। वैसे तो 2007 में 12 टीम्स ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार के T20 कंट्रीज की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। नंबर 2, बेस्ट बैट्समैन। IPL की खास बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी कंट्री के पॉपुलर प्लेयर्स इंडिया में आकर इसे खेलते हैं, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ही टफ बन जाता है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर सीजन को न्यू प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के AB डी विलियर्स IPL के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स में से एक है। उन्होंने टूर्नामेंट में 245 से भी ज्यादा सिक्सेस मारे हैं, और 40.5 सेंचुरीज भी उनके नाम है। वैसे तो हमारे किंग कोहली भी किसी से कम नहीं है। वही T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ICC रैंकिंग्स में इंग्लैंड के डेविन मलान 915 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। इंडियन प्लेयर विराट कोहली इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर 897 पॉइंट्स के साथ है। बेस्ट बॉलर। IPL फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 170 विकेट्स के साथ श्रीलंका के लसिथ मलिंगा टॉप पोजीशन पर है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने सबसे ज्यादा 39 विकेट्स लिए हैं। पूरे T20 क्रिकेट में लसिथ मलिंगा ने सबसे ज्यादा 107 विकेट्स लिए हैं। नंबर 4, टीम विद मोस्ट विंस। मुंबई इंडियन IPL की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। उन्होंने 5 बार IPL टाइटल्स जीते हैं। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम ने सबसे ज्यादा 2 बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। नंबर 5, व्यूअरशिप। IPL 2020 के ओपनिंग मैच ऑलमोस्ट 158 मिलियन व्यूअर्स ने देखा था। वहीं 2019 के ओपनिंग मैच को IPL देखो ना, व्यूज मिले थे। ये ऑलमोस्ट 21% का इंक्रीज है। वहीं 2016 के T20 वर्ल्ड कप को सिर्फ इंडिया में 730 मिलियन वर्ल्ड कप को देखा था, जो कि पिछले एडिशन जहर बात है कि एक कंट्री देखता है और पूरी दुनिया देखती है। नंबर 6, रेवेन्यू। 2019 में IPL की ब्रांड वैल्यू 475 बिलियन रुपीज की थी। और तो और BCCI का कहना है कि 2015 के IPL एडिशन ने 11.5 बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट किए थे इंडियन GDP में। IPL का 14th एडिशन ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपीस कमा सकती है। वहीं T20 वर्ल्ड कप इस बार ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। नंबर 7, रिकॉर्ड्स दैट आर हार्ड टू ब्रेक। 2018 के IPL में KL राहुल ने सिर्फ 14 बॉल्स में 50 रन्स मार दिए थे। पिछली बार हुआ ना, इनका फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है। विराट कोहली ने सिर्फ 2016 के एक सीजन में 973 युवराज सिंह ने मेरे ख्याल से 12 बॉलों पे बनाई थी। अब तक IPL के 8 फाइनल्स खेले हैं।
इन रिकॉर्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के महिला जयवर्धने ने 1016 रन सिर्फ 31 मैचेस में बनाए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। 2016 में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 48 बॉल्स में सेंचुरी मार के रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 8 अपकमिंग प्रेडिक्शंस। आईपीएल का 14th एडिशन बीच में कोविड-19 की वजह से रोक दिया गया था, लेकिन सितंबर 19 से यूएई में इस एडिशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। आईपीएल के मैचेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिसे कोई भी टीम जीत सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 14 को चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई के चांसेस है, आप मुझे नहीं पता क्या कौन ना सकता है। भाई कुछ भी नहीं कह सकते इसमें यार, लेकिन मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा फेवरेट है। यूएई में होस्ट कर रही है और सभी मैचेस यूएई में ही खेले जाएंगे। 17 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। पिछले T20 वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज ने जीता था। इस बार प्रोडिक्शंस लगाया जा रहा है कि इंडिया या इंग्लैंड वर्ल्ड कप फेवरेट है। तो दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फेवरेट वाकई में भाई ये दो जो है ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये बात माननी पड़ेगी। इंग्लैंड और इंडिया है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें मैं जो कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को ये बोल रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत ऑसम टीम है। ऑस्ट्रेलिया को बोल रहे हैं और हम यही प्रे करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए, हमारी टीम भी आगे। सही बात है, हम तो ये मतलब जाहिर बात है। और मैं कहता हूँ और किसी जीतने जीते भाई न्यूजीलैंड मार के रख दे, सच में मतलब उसे बहुत गलत किया। न्यूजीलैंड की तो मैं कहता हूँ मार के रख देना, सच में उसकी तो छोड़ ही दे, छोड़ ही दे। मैं ये कहता हूँ और जीते। देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे इंडिया किसी से भी मैच जीते, चाहे पाकिस्तान से भी मैच जीते, हमें इस लिहाज से खुशी होगी। चलो एक लिहाज से चलो हम पाकिस्तानी, हर एक मुल्क की, हर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान जीते। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया से हारता भी है तो यार हमें होगा, हमें जितना न्यूजीलैंड से हारा होगा नहीं पता है क्या, हम फिर भी कहेंगे यार इंडियन भी हमारे भाई हैं, हमें और खुशी होगी। समझो कि एक फ्रेंडली मैच था बिल्कुल, लेकिन न्यूजीलैंड से हारा पूरे और इंग्लैंड से भी, इंग्लैंड से भी, मतलब ये दोनों से यार पिछले वर्ल्ड कप में दोनों से जीता था एक एक मैच जो बिल्कुल। सो गाइस आप लोग बताएं इस बार, आप लोग बताएं आईपीएल मतलब चांसेस किसके लग रहे हैं जीतने के। यार मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने बताया ये बेस्ट भाई। मैं इस बार कहता हूँ यार आरसीबी जीते बेचारी, लेकिन आरसीबी, लेकिन एक और बात बताऊँ, कोलकाता नाइट राइडर्स को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो भी फिट खेल भाई, वो फिर भी जीत चुकी है। बस मैं कहता हूँ जो नहीं जीते उनको भी एक एक मौका मिलना चाहिए। ये तो परफॉर्मेंस की बात है भाई, जो अच्छा परफॉर्म करेगा ये भी बात है। और दूसरी बात आप देखो, अब बजट जो आईपीएल का है वो पूरे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा है। हाँ, मतलब कमाता भी ज्यादा है। उस दिन देखो जो पहला मैच था कोविड के बाद चेन्नई सुपर किंग का, 156 रन बनाया चेन्नई सुपर किंग ने। अब सारे कह रहे थे कि यार ये तो बहुत कम स्कोर है, मुंबई इंडियंस जीत जाएगी, मुंबई इंडियंस नहीं बना सकी, मुंबई इंडियंस हार गई। लेकिन उसमें रोहित शर्मा नहीं खेल रहा था, रोहित शर्मा जिस टीम में हो ना, मैं कहता हूँ यार वो बहुत कमाल का भाई, रोहित शर्मा हिटमैन, उसको ऐसी नहीं बोल रहा वैसे तो नहीं बोल रहा यार। जैसा देखे जाए ब्रांड वैल्यू के लिहाज से तो बहुत आगे था, व्यूअर के लिहाज से जाहिर बात है, अब एक कंट्री पूरी दुनिया देख रही है, कंट्री देख रही है, उस लिहाज से भी देखा जाए क्योंकि इंडियन भी वर्ल्ड कप देखते हैं और इस तरह वो भी देखते हैं, तो फिर अब इस लिहाज से अगर देखा जाए आईपीएल बहुत ज्यादा टक्कर की टीम है। देखो अब आईपीएल के जो मैचेस होते हैं वो पूरा इंडिया नहीं देखता, नहीं क्योंकि हर टीम का अपना अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है वो पूरा इंडिया देखता है। तो गाइस आपका फेवरेट टीम आईपीएल में इस टाइम कौन सी है, कौन सी आप कहते हैं टीम जीतनी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इतना ही, खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार, बाय।